कैसे छुआ, हल्का हल्का उंस हुआ, हल्का हल्का उंस हुआ। भाई आज बड़ी अनोखी बात है, यूजली तो मैं मर रहा होता हूँ भाई पीने के लिए, आज बिल्कुल भी मूड नहीं है पीने के लिए। पर एक अनबॉक्सिंग करेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे क्या क्या है मेरे पास। ये है किंगफिशर लागर, 650 मिलीलीटर की बॉटल है, ये देख लीजिए, और इसका दाम है 130 रुपये। किंगफिशर स्टैंडर्ड बियर इंडिया की जो मानी जाती है, ब्लैक एंड वाइट विस्की की बॉटल, बाद में आएंगे। मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने ये देखा, बीरा मालाबार स्टाउट। ये एक बियर थी जो 2-3 साल पहले आई थी इंडिया में, 2018 में मेरे ख्याल से। अब उस वक्त मैंने कैन ट्राई किया था, अब इसका वापस से शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बियर है ये, मैंने कभी लेकिन ग्लास में नहीं पी या बॉटल में नहीं पी। ब्लू मून बेहतरीन बियर, इसके भी 2 लेके आया हूँ मैं। ब्लू मून बहुत अच्छी बियर है, बेल्जियन वाइट वीट एल। ब्लू मून वीट एल, अब देखिए बेल्जियन स्टाइल वीट एल है ये। अगर आपको बहुत प्यास लग रही है और आप थोड़े भूखे भी हैं, तो अगर आप ब्लू मून पियेंगे आपको मतलब मज़ा आ जाएगा दुनिया का। 150 रुपीज़ में ये टोटली वर्थ इट है, मैं कहता। अगर इसका दाम कुछ ज़्यादा भी होता मैं तब भी कहता इसको लेके आइए, क्योंकि कुछ ना कुछ बात है इसमें, काफ़ी चैंगी बियर है। तो इसकी 2 लेके आया हूँ मैं कैन। पहली बार मैंने इसके पाइंट उठाए हैं इंडिया में, जब मैं अमेरिका में रहता था तो एक बार मैंने पिए थे इसके 6-7 पाइंट। बहुत बुरा आइडिया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास स्टमक नहीं था इतना पीने का जितना अब है। बीरा इंडियन पेल एल, बीरा वालों ने तो यार खुश कर दिया दिल को, पहली बार ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया पेल एल की लाइट बियर भी लेके आए हैं। रिसेंटली मैंने बॉलीवुड IPA का रिव्यू किया था, आज मैं कर रहा हूँ इंडिया पेल एल। एक्चुअली रिव्यू नहीं कर रहा, बट फिर भी दिखाना ज़रूरी है। अब ये एक और कोई कैन आया है बीरा का, बीरा ब्राउन एल। ये कैन आपका है 200 रुपये का, एंड ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है इससे, क्योंकि कुछ इतना खास नहीं लग रहा, लेकिन हम तो रिव्यू के माध्यम से लेते हैं कि रिव्यू हो जाए एक तो बात बन जाए। इंडियन पेल एल की मैं 2 बॉटलें लेके आया था और इसका दाम है 150 रुपये। अब बची ये 2 हस्तियाँ। अगर आप लोग सोच रहे इसमें कुछ डिस्काउंट मिला, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला। ब्लैक एंड वाइट पे डिस्काउंट चल रहा था, इन्होंने कहा 1550 की बॉटल है, आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है लाइए, मतलब 1550 माइनस 25% कितना होता है, अब लगा लिया आपने? हाँ, उतने में लेके आया मैं ये। और ये रही आपकी बरखुरदार सिग्नेचर प्रीमियर ग्रेन विस्की। इसका पहले मैं रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन पहले की बात पहले में गई, अब इसका रिव्यू करेंगे। सिग्नेचर प्रीमियर विस्की, ये कितने की थी यार? इधर लिखा है फ्रूटी फ्लोरल वुड ग्रेन वनीलिक। नाइस नाइस, आई रिस्पेक्ट, इन्होंने लिखा है वनीलिक, और पैलेट पे लिखा है फ्रूटी क्रीमी एंड स्वीट, फिनिश मीडियम फिनिश। अरे ये हुई ना बात, जो खुद को ही बोल दे कि भाई हम मीडियम फिनिश दे रहे हैं, जिसको लेना है उठा लो, बाद में मत पछताना। 810 रुपये यहाँ पे लिखा है, और 810 रुपये की ही मिली मुझे। रिव्यू करना ज़रूरी है भाई, हर चीज़ का मुकदमा करना। मैंने पहले एक ज़रूर किया था सिग्नेचर का रिव्यू, लेकिन वो बॉटल अलग दिखती थी और ये बॉटल अलग दिखती है। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने वीडियोस में कई बार कह चुका हूँ कि ये होती है पार्टी स्मार्ट। इससे क्या होता है, अगर आप एक ड्रिंक करने से पहले एक इसको ले लेंगे तो आपको हैंगओवर नहीं होगा। जिस तरीके से मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं कभी एक नहीं लेता, मैं 2 लेता हूँ। और होता क्या है, एक्चुअल में क्या हैंगओवर नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, अगर आपको 100 वाला हैंगओवर होने वाला है, मतलब 100 गुना आपको होने वाला है, तो इससे 100% होने वाला है, तो इससे आपको होगा 65%। तो ये 30% अप्रॉक्सीमेटली कम करती है आपका हैंगओवर। मेरे पास और भी कई सारे बारूद है जिनसे मैं हैंगओवर से बचता हूँ, एक रिव्यू उसका भी करेंगे एक दिन, डॉट शॉट का। सत श्री अकाल जी, ये रही सिग्नेचर प्रीमियर ग्रेन विस्की, स्मूथ एंड क्रीमी, ब्लेंडेड विद टॉप 10 इम्पोर्टेड स्कॉचेस, एजेड इंडियन मॉल्ट्स एंड फाइन ग्रेन स्पिरिट्स। टॉप नहीं लिखा था मैंने, अपनी तरफ से डाल दिया, वो माफी चाहूंगा उसके लिए। मास्टर ब्लेंडर सिग्नेचर विस्की। अब देखिए, मुझे नहीं पता, आप लोग बताएंगे कि पिछली मरतबा जो हमने किया था इसका रिव्यू,
सिग्नेचर का 2-3 साल पहले, जो मुझे आयोडेक्स जैसी लगी थी, घासलेट जैसी लगी थी, क्या वो यही सिग्नेचर थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये 810 रुपये की आई है और वो मेरे ख्याल से थी अराउंड 420 रुपीज की। तो मुझे नहीं लगता कि 3 साल में प्राइस इतनी बढ़ जाएगी। तो मैं खुश हूं कि आज हम इसका उद्घाटन करेंगे। रुकिए भाई भाई लोग, आज आईफोन से वीडियो कर रहे हैं क्योंकि मूड नहीं है वो कैमरे में हमेशा करके, अरे ये कर दे वो कर दे, अपना नहीं है वो सब। तो इसको खोलेंगे। अब बॉटल की शक्ल की बात करें तो इट्स वेरी गुड लुकिंग अमेरिकन लुकिंग बॉटल। ये थोड़ा ज्यादा कर दिया उन्होंने, पर कोई नहीं, गुड बॉटल। अबे यार ये क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ, हर बॉटल के साथ ये हो रहा है मेरे साथ। उस दिन मुझसे वो नहीं खुली, ये वो खुल गई, थैंक गॉड। अबे बेइज्जती नहीं, मैं कह रहा था बकाड़ी उस दिन खोलने में काफी तकलीफ हो गई थी मुझे, लेकिन बाहों के दरमियान दो प्यार मिल रहे हैं। इतना मेरे लिए मशहूर है, इतना मेरे लिए कलाकारी है, इतना मेरे लिए अजूबा है, थमने लेते हुए टिपिकल स्मेल लाइक एनी विस्की जो 500-600 रुपए की आती है, बहुत ही टिपिकल विस्की वाली स्मेल है। स्पिरिट थोड़ी माध्यम से लग रही है, ठीक ठाक। प्रिटी गुड। कहना भूल ही गया, आज मैंने बटर चिकन खाया है और साथ में 3 रोटियां खाई है विथ बटर चिकन, एंड बहुत अच्छा था बटर चिकन। मैंने याद नहीं कहाँ से मंगाया, बट कोई नई जगह थी जोमेटो पे, 490 रुपये का पड़ा मेरे को वो, एंड बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मतलब बहुत सही था वो। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, मीट माई न्यू बॉटल। और अब इसको वेट करने देंगे 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट में ड्रिंक मिलता है पानी के साथ, बर्फ के साथ, इस चहचह लगाते हुए ग्लास के साथ। शक्ल देखिए ग्लास की, देखिए इसको, देखिए इसको क्या लग रही है ना। इसे कहते हैं गुड लुकिंग ग्लास, गुड लुकिंग आइस, गुड लुकिंग ग्लास, गुड लुकिंग वाटर, गुड लुकिंग बॉटल। आज फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन को मैं कभी कभी पीता हूँ, क्योंकि थर्सडे को इतना पी लेता हूँ कि हमेशा हैंगओवर होता है, लेकिन थर्सडे को मैंने नहीं पिया एंड वेंसडे को भी मैंने नहीं पिया। मैं जानता हूँ ये एक तड़ी पार बन रहा हूँ मैं। तो जी भाई लोग, ये 5 मिनट बैठ चुका है ड्रिंक एंड अपन रेडी है। क्या ये सब मेरे साथ फ्रेम में आना चाहते हैं, सबको चाहिए लाइम लाइट। भीकू Cheers, dude. Cheers to Sidhu Paji, Navjot Singh Singh Sidhu ji. मैं आपकी तरह दिल से इज्जत करता हूं और इतनी इज्जत करता हूं कि फिनिश इसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट टेस्ट, मुलाकात बर्फ और पानी के साथ, ऐसा लग रहा है कि जो मुझे समझ नहीं आया था नीट में वो फैल गया है और अच्छी तरीके से मिक्स हुआ है। ये बिल्कुल आइडेंटिकल है किसी और ड्रिंक के साथ। मुझे 3-4 पीने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा किसके साथ आइडेंटिकल है। ऑलमोस्ट रॉयल ग्रीन से ज्यादा वार्म है और रॉयल स्टैग इससे ज़्यादा हार्ड है। ये 42.8% ABV है, बट 810 में आई थिंक, देखते हैं, अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे 810 में अभी तक समझ नहीं आई है, बट इट्स नॉट बैड, बट लेट्स सी। जिसका टेस्ट है वो थोड़ा नम सा है, सीधे जाके आपके पैलेट पे छाता है, बट आफ्टर टेस्ट उसी वक्त गायब हो जाता है। तो इससे पहले कि ड्रिंक ज़्यादा बने, आफ्टर टेस्ट गायब हो जाता है, विच इज़ अ बिट स्ट्रेंज इफ यू आस्क मी। आई थिंक सिग्नेचर भी ऐसी थी, बट इसका भी एक नीट शॉट पियेंगे आज, सिग्नेचर का भी पिया था अगर आपको याद हो।
फिनिश काफी इसकी आर्टिफिशियल है, रॉयल स्टैक की फिनिश बेटर है इससे, जरूर मुझे रॉयल स्टैक की याद दिला रहा है। इसका मतलब दो तीन ड्रिंक के बाद ड्रिंक बेटर होने वाला है। पहले ड्रिंक के बाद मैं क्या कहूँ, दूसरे ड्रिंक के बाद देखते हैं। रुकिए, थोड़ा बहुत स्पिन आ रहा है दिमाग में। बे इस पे फोकस करना ही हो, ये सिनेमैटिक मोड भी ना, आईफोन तू वाईफोन की बन रहा है। कितना देर प्रसिद्ध है, अभी करेंगे 5 मिनट। देखिए ड्रिंक की बात करें तो इसकी फिनिश बहुत बहुत पुअर है। इसका जो टेस्ट है वो टिपिकल विस्की जैसा ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एलिमेंट्री मिसिंग है इसका। जो आपके टंग पे आपके पैलेट पे फर्स्ट किक आता है वो काफ़ी प्लेन जेन है। मुझे लगा बढ़ेगा थोड़ा, लेकिन ये लायक नहीं है मास्टर ब्लेंडर सिग्नेचर कहने की। और मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे 810 रुपये वेस्ट हो गए, क्योंकि ये बहुत ही एवरेज टेस्टिंग विस्की है जिसमें कोई बड़ा चढ़ाव नहीं है। पंजाबी क्या लिखा है, शराब सेहत दे लई हानिकारक है। हिंदी में लिखा है मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये तो बात सही है भाई, शराब इज द वर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। चीयर्स टू दैट। मतलब ये कोशिश करती है कि ये थोड़ी प्रीमियम बने, आपके पैलेट पे थोड़े छाए, जैसे मैकडॉनल्ड्स एंड रॉयल स्टैग छाती है एंड थोड़ा बहुत रॉयल चैलेंज, लेकिन वो तीनों इससे इतनी बेटर है कि मतलब ये कंपटीशन में ही नहीं है उसके साथ, इन माय ओपिनियन। इट इज नॉट इवन अ पास, आई एम सॉरी टू से, मेरे 810 रुपये भीग गए, फेल हो गए। दिस ड्रिंक इज अ फेल, आई वुड गिव इट अ 4.5 out of 10, और मैं यही रुकूंगा और आज और नहीं पीऊंगा। सोचा था ये वीडियो बहुत अच्छा होगा पग में, यू नो, पर अनफॉर्चुनेटली ड्रिंक ही ऐसे मिली। 10:30 हो रहे हैं और आज के लिए मैं अपना कारोबार बंद करता हूँ और कोई किताब उठाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी रीड, आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड रूम बाय एमा डोनाह्यू, उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद है आप वो बुक पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। अब तक मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। जी हाँ, ये वही किताब है जिसकी फिल्म भी बनी थी रूम, लेकिन अगर मूवी ने इतना हिलाया तो बुक। चलिए बाय, सत श्री अकाल, रब राखा ते सेट काका। एक सेकंड, रब राखा ते सेट काका। But life still goes on.